इंतखाबात से मुतालिक अस्कुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हुआ। जिस तरह नोटिस लिया गया, इससे अदालत के बाहर बैठे आम आदमी के जहन में सवाल उठते हैं। समाज से माजरत की ना ही बेन से अलग होने की कोई वजह थी। आर्टिकल 63A की तशरी के दूरस नतज मुरतब हुए। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट की गैर जानबदारी और आज़ादी के हवाले से एतराज़ से बचा जा सकता था। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट जारी। कासिम सूरी रूलिंग केस का हवाला जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदुखेल की राय से इत्तफाक। सियासतदानों को अपने मामलात मुतालका फोरम पर हल करने चाहिए। नोट का मतन। अंदरूनी खल्फिशार और कौम को तकसीम करने की साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का मुल्की सलामती पर कोई समझौता ना करने का आज़म। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में कौमी और दाखिली उमूर पर ब्रीफिंग। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार। इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक। शुरका का बलोचिस्तान में कल अदम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर इदारों को खिराज तहसीन। एलामिया कुछ देर में जारी होने का इम्कान। चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ से मुलाकात। कौमी सलामती के अमूर पर तफ़सीली तबादला ख्याल। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्की मईशत पर भी गौर। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुआशी सूरत हाल पर तफ़सीली ब्रीफिंग। IMF से मुज़ाकरात और दोस्त ममालिक के वादों से भी आगाह किया। सूरतेहाल के बाइस एसआर डार का दौरा अमरीका मंसूख। आर्मी बैंक और IMF के सालाना इजलासों में शिरकत शेड्यूल थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की मुतहदा अरब अमारात के हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल थी। अकलियत ने गैर आइनी करारदाद पास की। सिर्फ 42 सरकार ने दस्तखत किए। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ह हिदायत मौजूद। हुकूमत ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करना है। अदालत अपने फैसले की तामील करवा रही है। इंपोर्टेड हुक्मरानों की ख्वाहिश है किसी ना किसी तरीके से इक्तदार से चिमटे रहें। असद उमर की मीडिया टॉक। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना रमना में बगावत पर उकसाने और इज्जत नफ्स मजरूह करने पर पर्चा कट गया। PTI चेयरमैन ने आला इदारे के अफसर पर इल्जाम तराशी की। FIR का मतन। मुकदमात की तहकीकात। यास्मिन राशिद, मियां असलम इकबाल और मियां महमूदुर रशीद JIT के रूबरू पेश। तीनों रहनुमाओं ने बयान रिकॉर्ड करवा दिए। जमान पार्क में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ से लातालुकी का इजहार। डेरा इस्माइल से गिरफ्तार अली अमीन गंडापुर अदालत पेश। PTI रहनुमा दोनों मुकदमा से डिस्चार्ज। 6 रोज के लिए सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। कागजात मुकम्मल न होने पर पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस साथ न ले जा सकी। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की ईद तक मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत। अदालत का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वासा को लाहौर के अंडरग्राउंड पानी की सतह दोबारा चेक करने की हिदायत। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क के 50% शहरी सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम। हेपेटाइटिस, डायबिटीज और TB के फैलाव में तश्वीशनाक हद तक इजाफा।